देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अलका बैरागी हत्याकांड मामले में प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से मिले परिजन। अरुण बैरागी द्वारा अलका बैरागी के परिजनों को जान से मारने की दी गई धमकी। वो हमारे पास रखते हैं, वो सामने रखते हैं, इसलिए उससे बात करी होगी। बाकी हम ढूंढ रहे हैं उसका कागज आवाज जो भी है चीजें, उसका उसका मोबाइल कहाँ, जैसे मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल सारी चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यही बात जब चौकी पे इतने सारे लोग आ जाते हैं, जब समझाया गया, आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारी चीजें सम्मिलित होंगी, तो क्यों बार बार वही इशू आ रहे हैं? अगर आपको कहीं लग रहा है डाउट है वो दे दीजिए, हम विवेचना में सम्मिलित करते हैं। ये सारी विवेचना का है, अगले दिन ही थोड़ी ना हो जाएगा, देखना पड़ेगा। हमारा जो राजनीतिक जीवन 30 साल का तो होगा, हमने तो घटनाएं बहुत सारी देखी हुई थी। मोबाइल खुलना क्या जरूरी नहीं दोनों का? हम देख लेंगे मोबाइल जो अगर मोबाइल और ये कप्तान साहब आप बता दिए, सीसीटीवी का देख लिया उन्होंने? मेन अक्यूज अरेस्ट हो गया है, उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट होने क्या उसमें है वो भी देखा जाएगा, मोबाइल फोन जो भी एविडेंसेस है आप इनसे बात कर लीजिए, नंबर उसके बाद आपको ठीक है। लेकिन विवेचना से होने के बाद विवेचना फिर इन लोग के फोन आया था किसका? विक्रम, विक्रम कौन है? विक्रम भी आए नहीं, विक्रम कौन है? उससे तो मैं ढंग से बात करूंगा जरा, वो रिपोर्ट उन्हें विक्रम दे रहा है। विधायक जी, ये मामला क्या है, मुझे बता सकते हैं इस मामले? देखो, अलका बैरागी का ये मामला है और बहुचर्चित ये मामला है। ये बात सही है, पुलिस कप्तान के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई, वो भी 20 घंटे बाद। उसके बाद पुलिस ने ना तो कोई साक्ष्य जुटाए हैं, और साइबर जो इनका सेल है उसमें मोबाइल वोबाइल का मामला, सीसीटीवी का मामला है। ये जो पूरा प्रकरण है, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई दोषियों की मदद कर रहा है। और पुलिस भाई, ये काम तो पुलिस का ही है और कानून का है, ये जो भी कुछ करेंगे। लेकिन हम बार बार इसलिए इनसे अनुरोध करने आ रहे हैं क्योंकि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के कप्तान पर हमें भरोसा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई हो रही है, जो कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने बातचीत करी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में, सरकार के दबाव में आके प्रशासन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे कुछ की अभी तक जब इन लोगों ने रिकॉर्डिंग दे दी है, तो अभी तक इसके परिवार के जो अन्य जो अभियुक्ता थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ की सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ यह मामला है, अलका बैरागी का फ़ोन अभी तक खोला क्यों नहीं गया, और उसके जो अरुण बैरागी है उसके अकाउंट्स डिटेल्स क्यों नहीं निकाले गए, जिससे कि हो सकता है कि शक्ति फार्म क्षेत्र के कई जाने माने हस्तियों के नाम आ सकते हैं। और इस खुलासे से हो सकता है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार को भारी जिल्लत उठाना पड़े।